मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी तुम्हारी डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं और जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनके लिए एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लो या फिर कुछ शीट ऑफ पेपर पर लिख लो। ये उस टाइम के लिए होने चाहिए स्पेसिफिक तुम्हारे नोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम से एक घंटा पहले तुम ये सारी चीज़ें रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं फिजिक्स की, तुम वो सारी बुक्स तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लेके जाके रिवाइज तो कर नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर बना सकते हो जिनमें से तुम रिवाइज कर पाओ। टिप नंबर 2, बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है प्रीवियस ईयर करें, सैम्पल पेपर करें या हॉट्स वाले क्वेश्चन करें। सबसे पहले आती है एनसीईआरटी, फिर आते हैं सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर, कोई एक चीज़ करो। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर थर्ड नंबर पे हॉट्स वाले, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस। टिप नंबर 3, हर डेरिवेशन को, अगर ऐसी कोई भी डेरिवेशन है जिसमें तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है या फिर अपने ऊपर शक है कि मैं भूल जाऊंगा व्हाट एवर इट इज, तो उसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि डेरिवेशन सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद होंगी और कोई तरीका नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, टिप नंबर 4, जो भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सपोज डिवाइसेस या फिर कोई भी ऐसी डेरिवेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले के लिए उसे लर्निंग के लिए मत छोड़ना। पहले से ही सारी चीज़ों को अच्छे से याद करके रखना, कुछ भी एग्जाम से 5-6 दिन पहले के लिए लर्निंग के लिए मत छोड़ना। कोशिश करो कि पहले ही तुम्हारा लर्निंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका हो, ताकि एग्जाम से पहले वाले दिन में तुम स्ट्रेस फ्री हो और आराम से अपनी रिविजन कर पाओ। और हो सकता है उस टाइम भी तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो इंपॉर्टेंट है और वो तुम उस टाइम याद कर पाओ। वो एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए और प्लस रिविजन के लिए टाइम होना चाहिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले का, बाकी तुम्हारी पहले से ही सारी पढ़ाई हो रखी होनी चाहिए। पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि अभी तक तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है या पढ़ाई करी है, नहीं करी है, नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, जितना टाइम है उसे यूज़ करो, यूटिलाइज करो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, टिप नंबर 5, बहुत बच्चे ऐसे दूसरों को सलाह देते हैं कि पेपर ना छूट जाए, इसलिए स्पीड इंक्रीज करने के लिए तुम सैम्पल पेपर पूरा का पूरा लिख के देखो 3 आवर्स के अंदर, या फिर तुम प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा लिख के देखो। पर्सनली आई डोंट थिंक ये चीज़ें वर्क करती हैं कि तुम लिख के देखो एक एक चीज़ को बैठ के, इसकी बजाय तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें अपना टाइम नोट करना चाहिए, दैट इज़ तुम्हें अपने टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। या तो एग्जाम में घड़ी पहन के जाओ या फिर एग्जामिनर से अगर तुम टाइम पूछोगे तो वो तुम्हें डांटेंगे नहीं। हर सेक्शन को एक टाइम डिनोट करो, ये सेक्शन मुझे 1 आवर में कंप्लीट करना है, सेक्शन बी मुझे 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे इतनी देर में कंप्लीट करना है, ये पहले से ही सोच के रखो। ये बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, वो देखते ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो तुम्हें नहीं आ रहा, जिसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन के लिए तुम स्पेस छोड़ सकते हो और आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। पर बच्चे ये नहीं करते, उसी क्वेश्चन पर स्टक हो जाते हैं। एग्जाम में टाइम लिमिट होती है, इस बात को मत भूलो। एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछोगे डांट नहीं पड़ेगी, वो एग्जामिनर तुम्हें टाइम बता देगी व्हाट एवर इट इज, राइट? तो टाइम पूछने से मत डरो। और चाहे तुम्हें एग्जाम में तुम्हें पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, स्केल चाहिए या फिर सिर्फ पानी क्यों ना चाहिए, एग्जामिनर से पूछ के फिर ही अपनी फ्रेंड से मांगो। नहीं तो फिर एग्जामिनर बहुत बार ऐसे शक करते हैं और फिर चाहे तुम उन्हें बता भी दोगे कि मैंने सिर्फ पेंसिल या पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा था व्हाट एवर इट इज, तो वो तुम्हारे सर पे ही घूमते रहेंगे। और ये वाली चीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है जब एग्जामिनर को शक हो जाता है फालतू का, जब वो शक सीरियस भी नहीं होता और फेक शक होता है, तो एग्जामिनर तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहते हैं ये देखने के लिए कि तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे। द पॉइंट इज कि अगर तुम्हारे सर पे कोई घूमता रहे ना, तो तुम इवेंचुअली फोकस नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पे। कुछ बच्चे कर पाते हैं बट मोस्टली बच्चे इरिटेट हो जाते हैं इस फैक्ट से, तो इसीलिए बेटर रहता है सबसे पहली चीज़ तो तुम अपनी सारे सामान लेके चलो, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, सब कुछ पहले से ही, ज्योमेट्री बॉक्स पहले से ही तैयार करके रखो। पर अगर कुछ नहीं भी है, बाई चांस तुम भूल जाते हो, तो सबसे पहले एग्जामिनर से पूछो। एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कैसे भूल गए, या 1-2 टॉन्ट कभी कभार कुछ एग्जामिनर्स मार देते हैं, उनकी बात पे ध्यान मत दो। उनको बताने के बाद ही जो भी तुम्हें बोरो करना है वो बोरो करो, बट बिना बताए मत करना, नहीं तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। और डेफिनेटली फिजिक्स का पेपर है, एग्जामिनर ज़रूर कहेगा अपने क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर पे लिखने के लिए, तो अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ बच्चे होते हैं ना कि क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लिया तो क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देंगे। अब एग्जामिनर को उन चीज़ों पे भी शक हो रहा होता है कि टिक क्यों किया है ये, या तो हो सकता है तुम्हारा कोई सिग्नल हो कि तुम दूसरे बच्चे को दिखा रहे हो और तुम्हें ये क्वेश्चन ना आता हो। तो इसीलिए अगर तुमने कोई क्वेश्चन कर भी लिया है ना, तो कोशिश करना या हरकत मत करना कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ बच्चे टिक करने लग जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि उससे भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं। और डेफिनेटली ये रिकमेंड किया जाता है बच्चों को कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी ना लिखें सिवाय अपने रोल नंबर के, जो कि लिखना इंपॉर्टेंट है। और रोल नंबर भी इसीलिए लिखवाया जाता है ताकि तुम चीटिंग ना कर पाओ। बहुत बच्चे होते हैं ना बिना रोल नंबर लिखे एक दूसरे को क्वेश्चन पेपर देके उन्हीं पे आंसर्स लिख के पास कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर पे कोशिश करना कुछ भी मत लिखना, ठीक है।
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमें सैम्पल पेपर लिखने से हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिकली तुम्हें ऐसे ना लिखना पड़े, स्पेसिफिकली तुम्हें ऐसे अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए रखे जाते हैं एग्ज़ाम्स, एफ़एज, एसेज या फिर तुम्हारे यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड स्पेसिफिकली। तो इसीलिए प्री बोर्ड देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड से क्या होता है ना, तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाती है, तुम्हें उसी से पता चल जाता है कि क्या तुम टाइम से अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, तुम्हें अपनी कितनी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चल जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें कितना आता है और कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है खुद पे ताकि तुम और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो इसीलिए प्री बोर्ड देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट बहुत बच्चे दूसरों को ये सजेस्ट करते हैं कि तुम प्री बोर्ड मत दो, प्री बोर्ड से कुछ नहीं होता, उनके मार्क्स तो मैटर करते नहीं है, और जो बच्चे सजेस्ट करते हैं दूसरों को वो खुद जाके प्री बोर्ड दे रहे होते हैं। सो इट इज़ बेटर कि तुम दूसरों की बातों में मत आओ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और जो तुम्हें ठीक लगता है अपने दिमाग से सोच समझ के करो और प्री बोर्ड ज़रूर देना। अब डेफिनेटली प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते नहीं हैं, पर उनसे तुम्हें सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं और तुम्हें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिर्फ अपने लिए कोशिश करना कि तुम प्री बोर्ड ज़रूर दो। और रही बात पढ़ाई की, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस भी होता है, इस वजह से वो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना समय निकल चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसके बारे में मत सोचो, जितना समय है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। चाहे जितने भी दिन बचे हैं एग्ज़ाम में अभी से पढ़ना शुरू कर दो और कोशिश करो कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि तुम्हें रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे होगा कि यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, वो इसीलिए याद नहीं आ रहा होता क्योंकि रिवीजन की नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करो एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तुम्हारा सारा लर्निंग पोर्शन कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है और कुछ बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते सिलेबस, पर मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हिम्मत मत हारो, अपने ऊपर से विश्वास मत उठने दो और डेफिनेटली तुम कर पाओगे अगर तुम पॉजिटिव रहोगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे तो डेफिनेटली तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिर जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट मत रखो, जितना आता है उतना रिवाइज कर लो और साथ ही साथ जितना और लर्न कर सकते हो उतना और लर्न करो। और स्ट्रेस को कम करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हो 5 दिन पहले का एग्ज़ाम से ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाए। अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम टेबल होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है तो इवेंचुअली हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ये भी कर सकते हो। और टाइम टेबल को ऐसे अप्रॉक्स में मत बनाना कि कुछ बच्चे कहते हैं 9th को हम ये वाला चैप्टर 1, 2, 3 कर देंगे, बस इसकी रिविजन कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है प्रॉपर सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक मुझे ये चीज़ करनी है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 ब्रेक लेनी है, या वट एवर इट इज़, प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए पूरे दिन का। ये जो तुम कह रहे हो ये एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि चैप्टर 1, 2, 3 हम रिवाइज कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। क्लास 12th के एग्ज़ाम्स हैं, इन्हें सीरियसली लेना शुरू कर दो, आखिरी साल ही है यार, इसके बाद तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और डेफिनेटली तुम्हें क्लास 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए ताकि तुम्हारे फेवरेट कॉलेज तुम्हें मिले, तो आप पढ़ना शुरू कर दो, सीरियसली ले लो पढ़ाई को इस साल। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।